हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल मैथमेटिकल पुल। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स का 2 का कुछ क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है 4 मार्क्स का 2 का 1। ये जो LHS है इसको हमें 1 के इक्वल दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मेथड देखने वाले हैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा, जो कि आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कुछ ऐसा हो तो इसको यहाँ पर 16 को क्या लिखेंगे हम लोग। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4, एंड 15 को 3 into 5, और यहाँ पर 25 को क्या लिख सकते हैं बताओ। 25 को लिख सकते हैं 5 square। 24 के लिए क्या करेंगे, 24 को लिख सकते हैं 8 into 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 cube into 3। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास दो और नंबर है 81। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4, एंड 80 के लिए क्या लिख सकते हैं, 80 equals to 16 into 5, या फिर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 into 5। ठीक है, एक और चीज़ हमें याद रखना है। चलो यहाँ पर देख लो कि अगर कभी भी यहाँ पर इस टाइप का रहे log a by bc, इस टाइप का अगर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b माइनस log c, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी में थोड़ा सा अगर चेंजिंग रहे log ए बी अपन सी, इस टाइप का रहे तो क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b माइनस log c। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो ऊपर में होता है log में, जो ऊपर में होता है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। ठीक है, और जो नीचे में होता है, नीचे में यहाँ पर है, उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही हम लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और बस ये चीज़ याद रखना था, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही कम स्टेप में, सबसे कम स्टेप में हो जाएगा, आप लोग कहीं भी करेंगे उससे कम स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, LHS इक्वल्स टू हो जाएगा log 2 के प्लेस पे log 2 प्लस 16, यहाँ log इसको क्या लिख सकते हैं, log 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4, एंड 15 को 3 into 5, ऐसा लिख सकते हैं। देन उसके बाद 12 है, और log इसको 25 के लिए 5 square, एंड 24 के लिए 2 cube into 3। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखो लास्ट वाला बचा हुआ हमारे पास प्लस सेवन log 81 के लिए 3 to the power 4, एंड 80 के लिए 2 to the power 4 into 5। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो एक दो स्टेप ही हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो log 2 का log 2 रहेगा, उसके बाद ये 16 देखो, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या रहता, चलो पेन से यूज करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ एक नंबर होता m, तो ये नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई होता। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता m, एंड ये वाला नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है ना, सभी में, ये मान लेते हैं m बाहर होता तो ये सब में मल्टीप्लाई होता। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। चलो इसको बाद में ही मल्टीप्लाई करते हैं। 16 यहाँ पर है हमारे पास, log यहाँ पर log 2 to the power 4, देखो जो ऊपर वाला है उसके लिए पॉजिटिव log होगा, जो नीचे वाला है उसके लिए नेगेटिव होगा, दैट इज log 3 माइनस log 5। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के लिए आ गया हमारे पास। अब सेकेंड टर्म इसके लिए करना है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 12 को बाहर रख रहे हैं log, ये क्या आ जाएगा 5 square माइनस log 2 cube माइनस log, देखो ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव है, एंड नीचे वाले के लिए नेगेटिव, log 3। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद लास्ट वाला टर्म यहाँ पर हमारे पास है प्लस सेवन
सेवन को बाहर रख रहे हैं, ये हो जाएगा लॉग ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव 3 to the power 4 माइनस लॉग 2 to the power 4 माइनस लॉग 5। ठीक है, तो ये हम लिख चुके हैं सभी सभी टर्म्स को। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, सबको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन सबसे कम स्टेप में आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो लॉग टू, और बहुत मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं होगा। ठीक है, लॉग टू प्लस देखो यहाँ पर 16 सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा 16 लॉग 2 to the power 4। अच्छा, इस 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ। एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ पर पावर में है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ले लो इसको बाहर, ये हो जाएगा 4 log 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 5। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ भी पावर को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस लॉग 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 7, यहाँ पर पावर फिर से बाहर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 log 3 माइनस यहाँ सिमिलरली 4 log 2 माइनस लॉग 5। हम लोग क्या करते हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है जिससे बहुत लेंदी लेंदी स्टेप्स आ जाएंगे, मतलब 10 स्टेप 11 स्टेप 12 स्टेप इसमें आंसर आते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 to 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको बस सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। देखो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग टू प्लस 16 into 4 क्या हो जाएगा 64 log 2 माइनस यहाँ पर 16 log 3 माइनस 16 log 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 12 into 2 क्या होता है 24 log 5, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 24 log 5 माइनस 12 into 3 36 log 2 माइनस 12 log 3। ठीक है, और यहाँ पर एक लास्ट टर्म वाला कैलकुलेशन बचा हुआ है प्लस 7 into 4, ये क्या हो जाएगा 28 log 3 माइनस 7 into 4 28 log 2 माइनस 7 log 5। अब देखो log 2 को एक साथ लेंगे, log 3 को एक साथ एंड log 5 को एक साथ, तो यहाँ पर देखो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देख लो log 2 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर कितना है देखो 1 है, 1 प्लस यहाँ पर 64 आ जाएगा 64। देखो उसके बाद log 2 कहाँ पर है, log 2 को अगर देखें तो log 2 यहाँ है एंड यहाँ पर है log 2 एंड उसके बाद कहाँ है, यहाँ है log 2, ये चार यहाँ पर log 2 है, यहाँ पर माइनस 36 माइनस 28 इतना आ जाएगा log 2 के लिए। उसके बाद log 3 को अगर देखें तो log 3 में क्या क्या आ जाएगा, log 3 के केस में देखो पहले पॉजिटिव को लिख रहे हैं फिर नेगेटिव को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 28 है, यहाँ 28, यहाँ पर देखो माइनस 16 एंड माइनस 12, माइनस 16 माइनस 12 log 3 के लिए।
अब बचा क्या लॉग फाइव, लॉग फाइव का भी थ्री टर्म्स है यहाँ पर, ये रहा एक, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा एंड ये तीसरा, ठीक है इसको भी कर लेते हैं। और क्या क्या बचता है देखते हैं। यहाँ पर देखो पहले पॉजिटिव को लिख रहे हैं, लॉग फाइव पॉजिटिव को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 माइनस 7। देखो इसको कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को कैलकुलेट करो, इन दोनों को कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 6 प्लस 8, इन दोनों कैलकुलेटर से 64 आ रहा है। देखो माइनस 64 एंड प्लस 64 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 1 बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ लॉग 2 बचेगा, लॉग 2 यहाँ पर, लॉग 3 का यहाँ पर देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर माइनस 16 माइनस 12 ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस 28 आ जाएगा एंड माइनस 28 एंड प्लस 28 ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉग 3 इंटू 0 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर लॉग 5 इंटू क्या आ जाएगा, लॉग 5 इंटू यहाँ पर देखो माइनस 16 माइनस 7 ये तो माइनस 23 आ जाएगा, माइनस 23 एंड 24 माइनस 23 इज 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है, अगर हम लोग देखें तो ये वाला ऐसा है, लॉग 3 के साथ मल्टीप्लाई है 0, यहाँ भी लॉग 2 के साथ मल्टीप्लाई है 1, यहाँ लॉग 5 यहाँ पर है, लॉग 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पर लॉग 3 कॉमन था, यहाँ लॉग 5 ऐसे कॉमन लिए थे एंड ये लॉग 2 कॉमन था, ठीक है ये मल्टीप्लाई में 2 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं था, यहाँ पर ऐसा है कुछ। अब देखो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर के, और ये क्या बचेगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू लॉग 2 प्लस ये वाला पार्ट बचेगा यहाँ पर लॉग 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग देखो प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है तो इसको 2 इंटू 5 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग 10, दिस इज इक्वल्स टू लॉग 10। और यहाँ पर देखो कुछ बेस में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि बेस यहाँ पर 10 होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है तो हो गया ये प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो मुश्किल से यहाँ पर कितना स्टेप लगा है हमें, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें कितना स्टेप का ज़रूरत हुआ, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, 6 to 7 स्टेप में यहाँ पर आंसर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग और भी लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें 12 स्टेप में भी आंसर आएगा, तो ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है, यहाँ पर सबसे कम स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया हमने, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 16, 15, 25, 24 और 81, 80 को क्या लिया, लॉग 2, 3 एंड 5 के टर्म्स में लिख लिया, और यहाँ पर log 2, log 3 एंड log 5 के टर्म्स में आ गया एंड देन उसको सॉल्व किया और सारा सब कुछ कट गया और बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास एक log 2 बचा एंड एक log 5 बचा है, एक log 2 एंड एक log 5 यहाँ पर बच गया था ये देखो, और उसको फार्मूला में हम लोग डाल करके 2 इंटू 5 आ जाएगा तो log 10 इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ भी हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, यहाँ पर log 36 अपन 25 का होल क्यूब है एंड देन प्लस 3 log 2 बाई 9 माइनस log 2 ऐसे दिया होगा, तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 3 पावर है, इस 3 को पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे, LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 log 36 अपन 25 दिस प्लस 3 log 2 बाई 9 देन माइनस log 2 ये आ जाएगा LHS, ठीक है।
अब देखो इस 3 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लॉग 36 अपन 25 दिस प्लस लॉग 2 अपन 9 माइनस, ये देखो माइनस लॉग 2, ठीक है। इन दोनों में से हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी का क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लॉग 36 अपन 25 इंटू 2 अपन 9, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर माइनस लॉग 2 है, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 लॉग 8 बाई 25, ठीक है, माइनस लॉग 2, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम लोग, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लॉग 8 बाई 25 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस लॉग 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो माइनस में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं लॉग 8 बाई 25 इसका होल क्यूब और ये डिवाइड में आएगा 2, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं लॉग 8 बाई 25 इंटू 8 बाई 25 इंटू 8 बाई 25 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर माइनस लॉग, सॉरी ये हो गया, ख़त्म हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक ही पूरा है। अब देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, लॉग 8 इंटू 8 इंटू 4 अपन यहाँ पर 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था उसको देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ हमारे पास प्रूफ करने के लिए था 2 लॉग 16 अपॉन 125, ठीक है। ऊपर में हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए और नीचे में 125 चाहिए, इसको ध्यान में रखना है और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, लॉग 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको 8 इंटू 2 लिख लिए एंड देन अगेन यहाँ 8 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं 25, इस 25 को ऐसे रखें, इस 25 में से 5 इंटू 5 कर सकते हैं, इसको 5 कर लिए एंड देन ये 5 इंटू 25 25, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो दैट इज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं लॉग 8 इंटू 2 एंड 8 इंटू 2 यहाँ पर क्या होता है 16 एंड नीचे में क्या 125, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये पावर, यहाँ पर देखो ये वाला पावर ये बाहर आ जाएगा, हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2 लॉग 16 अपॉन 125, ठीक है। और ये प्रूव हो गया हमारा, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है यहाँ पर देख लो कैसे किया हमने, पावर को सबसे पहले बाहर निकाला जो कि कॉमन बात है, उसके बाद हमने क्या किया, 3 3 दोनों दिख रहा था हमें कि कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया एंड देन क्या किया, 8 बाई 25 आ गया लॉग के अंदर,
अब फिर क्या किया हमने, उसका पावर फिर से 3 लिख दिया, जो 3 बाहर में था उसका पावर 3 लिख दिया, एंड फिर से उसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लॉग 8 × 8 × 4 ऊपर में है एंड 25 × 25 × 25 ये नीचे में है, तो इसको क्या लिखा हमने, 16 × 16 लिख सकते हैं उसको, थोड़ा सा अरेंज किया और लिख लिया 16/125 का होल स्क्वायर, और फिर से पावर बाहर आ गया 2, तो ये हमें प्रूफ मिल गया, 2 log 16/125, यही प्रूफ करना था और ये हमें मिल गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का 2 का यहाँ पर 3 है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर प्रूव करना है LHS = RHS, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली LHS को लिख लेंगे, LHS = देखो यहाँ पर ये तो और भी आसान है, log 75/16 माइनस, देखो ये पावर को क्या करेंगे हम लोग, पावर को यहाँ पर जो पहले है इसको पावर में लेकर के चले जाएंगे, ये जो पहले है 2 को पावर में लेकर के चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log 5/9 इसका होल स्क्वायर प्लस log 32/243, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, जो प्लस में है उसको तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे सिंपली, और जो माइनस में है उसको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे और उसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक सा चीज़ है ये कि अगर यहाँ पर ऐसा हो कोई नंबर, ए को हमें डिवाइड करना है किससे, बी बाई सी से, इससे हमें डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, सी बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लॉग एक लाइन में ये आ जाएगा सब कुछ, 75/16, और यहाँ पर ये प्लस में है, प्लस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे 32/243, एंड यहाँ पर देखो ये माइनस में है, तो माइनस वाले को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का क्या मतलब है कि 9 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, 9² एंड नीचे में क्या हो जाएगा, 5² ठीक है। देखो यहाँ 5 से अब यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे और जो भी होगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 से अगर कैंसिल करेंगे इसको तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 5 से, या फिर 25 से कैंसिल करें, 25 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 25 से यहाँ पर 1 टाइम्स में 5² है, ठीक है, सॉरी ये 9² है। अब देखो 16 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या क्या हमारे पास बचा है, यहाँ 81 है, चलो लिख लेते हैं एक बार, log 2 × यहाँ पर 81 है और यहाँ पर नीचे में क्या है, 243 है, और यहाँ पर 3 भी था ऐसा है, और तो कुछ भी नहीं है। चलो अब देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 81 टाइम्स में आ जाएगा, एंड 81 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या क्या बच रहा है, देखो क्या क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, लॉग 2 ही बच रहा है, और यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x^(log y − log z)(y^(log z − log x)(z^(log x − log y) इसे हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। तो इस टाइप का जब भी हमें क्वेश्चन दिखे इसके लिए थोड़ा सा याद रखना है, क्या करना है, लेट कर लेना है हमें, लेट p इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, लेट p इक्वल्स टू इस ये जो पूरा यहाँ पर टर्म्स है LHS को हम लोग p लेट कर लेते हैं, log y − log z * यहाँ पर y^(log z − log x)/(z^(log x − log y), ठीक है। अब देखो बोथ साइड अगर हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर देखो क्यों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल से आ जाएगा आंसर,
तो देखो अगर बोथ साइड अगर लॉग को अप्लाई कर देखें तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लॉग पी, लॉग पी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू दी पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड, ठीक है। एंड देखो मल्टीप्लाई में है तो सारा प्लस में आ जाएगा, प्लस लॉग वाई टू दी पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस लॉग जेड टू दी पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर पावर होगा, पावर क्या होता है लॉगरिथम में, जब पावर होता है बाहर आ जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू लॉग एक्स। ये देखो ये जो पावर था ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो पावर था इसको हम लोग बाहर लिख रहे हैं। यहाँ भी ये सिंपल ये पावर जो है सिंपली इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और ये जो पावर होगा उसको भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग वाई। फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इंटू लॉग जेड। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो लॉग वाई इंटू लॉग एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई ऐसे ही रखते हैं, माइनस तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग जेड इंटू लॉग एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग वाई इंटू लॉग जेड, लॉग वाई इंटू लॉग जेड। फिर देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है। फिर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग जेड इंटू लॉग एक्स, लेकिन प्लस में है, लॉग जेड इंटू लॉग एक्स प्लस में होगा। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग वाई इंटू लॉग जेड, लेकिन माइनस में होगा, ये लॉग वाई इंटू लॉग जेड माइनस में। ये देखो लॉग एक्स लॉग वाई प्लस में है, एंड लॉग एक्स लॉग वाई यहाँ पर माइनस में, ये प्लस में है, यहाँ पर देखो ये वाला प्लस में है और ये माइनस में है, ये दो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जीरो बच जाएगा। यहाँ पर क्या मिल गया हमारे पास, लॉग पी का वैल्यू जीरो मिल गया। अब देखो लॉग पी का वैल्यू जीरो मिल गया, तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि लॉग वन का वैल्यू जीरो होगा, इसलिए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तभी कोई भी बेस अगर हो तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी अगर बेस हो तो लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, इसका मतलब पी का वैल्यू क्या है, वन है। यहाँ से हम लोग क्या बोल पाए, यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे दैट इम्प्लाइज पी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब पी यहाँ पर हमारे पास क्या था, पी जो गिवन कंडीशन था वही था, तो लिख लेते हैं इसको एक बार, जो हमने लेट किया था, देखो हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पर p इक्वल्स टू वन प्रूव करना था, और हम लोग p इक्वल्स टू वन प्रूव कर लिए, क्योंकि जो हम लोग लेट किए थे पूरा LHS को ही हम लोग लेट कर चुके थे, तो पूरा जो LHS है यहाँ पर देखो पूरा LHS को हम लोग लेट कर लिए थे कि ये p के इक्वल है। अब p इक्वल्स टू हम लोग वन प्रूव कर दिए, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू हम लोग वन प्रूव कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। एक बार चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लेना एग्जाम में, लिख लेना दैट इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।